सबसे पहले तो भैया एक चीज क्लियर कर देते हैं कि ये सेमीफाइनल तो था ही नहीं, ये था शमीफाइनल। जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने आज बॉलिंग करी ना, वो लिटरली अनमैचेबल था। इसके अलावा मुझे लग रहा था कि अब पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, तो शायद पाकिस्तानियों का मुंह बंद हो जाएगा, और मैं सही भी सोच रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन देखिए ऐसा हुआ नहीं। आपको पता है, एक पाकिस्तान के कोई बंदा है, उसने बोला है कि भैया रोहित शर्मा जो है वो टॉस के ऊपर थोड़ी सी बेईमानी करता है। और कल एक और खबर वो पिच को लेकर सामने आ गई थी, तो इनको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई और पाकिस्तानियों की सुलगी हुई पड़ी थी। तो खैर अब सुलगी हुई, इंडिया को बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा खुश मत हो, भी फाइनल बचा हुआ है। अबे तुम तो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए, हम तो फिर भी अब फाइनल खेलने जा रहे हैं। अब फाइनल में जो होगा समझा जाएगा, वर्ल्ड कप का फाइनल तो हम खेल रहे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं भैया इस वीडियो में खासतौर पर मीम्स के बारे में, जो इस समय वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। और क्या तो मीम्स वायरल हो रहे हैं, क्या ट्रेंट बोल्ट, क्या जय शाह, क्या अमित शाह, क्या विराट कोहली, क्या रोहित शर्मा, किसी को नहीं बख्शा है। एक से बढ़कर एक मीम्स इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मतलब अगर आपने मैच नहीं भी देखा है ना, तो इन मीम्स को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैच में क्या सूरत हाल रहा होगा। सबसे पहले तो आप ये वाला मीम देखिए, मोहम्मद शमी रिमेंबर द नेम। मोहम्मद शमी का जैसी परफॉर्मेंस थी, उसको देखते हुए वाकई में आज इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस इनको दूध से ही नहलाएंगे, और उससे कम तो मुझे लगता भी नहीं कि कुछ चलेगा। अब इस मीम को आप ध्यान से देखिए, प्लीज भगवान प्लीज विकेट दिला दो। ये सलमान खान की जो हालत दिख रही है ना, यही हालत हर भारतीय फैन की थी जब केन विलियमसन और मिचेल के बीच में पार्टनरशिप हो रही थी। मतलब लोगों ने अपने टीवी बंद कर दिए थे, मोबाइल बंद कर दिए थे, लोग अपने अपने कामों में लग गए थे, सड़कों पर सन्नाटा छा गया था, स्टेडियम में तो सर लग ही नहीं रहा था कि कोई बैठा है। इतनी बेहतरीन पार्टनरशिप हुई थी विलियमसन की, और उसके बाद हर एक इंडियन फैन की हालत कुछ ऐसी थी कि भैया बस कुछ भी करो लेकिन विकेट दिला दो, क्योंकि अब और नहीं सेहत बन रहा है। जय उपाध्याय ने यहां पर लिखा, मैं मेंटल हेल्थ आफ्टर रियलाइजिंग वी आर गोइंग टू प्ले फाइनल। जैसे ही दिखा कि हाँ भैया अब एक उम्मीद बन रही है और टीम इंडिया फाइनल खेल सकती है, सब भैया खुशी से नाचने लगे, और लिटरली यही हालत हो गई थी। अब ये जो कैच लिया था रविंद्र जडेजा ने, अगर आपने ये कैच नहीं देखा है, आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो आपको मैच ही देखना पड़ेगा। दरअसल ये सिर्फ कैच नहीं था, ये एक तरह का इमोशन था जो रविंद्र जडेजा का निकल कर आया था कि यार बस अब रास्ता क्लियर। ये वो वाली फीलिंग थी और कुछ नहीं। यहां लिखा है शमी टू न्यूजीलैंड आफ्टर टेकिंग अनदर 5 विकेट हॉल। मतलब पहले भी इनके खिलाफ तो वर्ल्ड कप में 2 बार हो गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो कि शमी ने 5 विकेट ले ली। मतलब शमी अलग ही लेवल पे खेल रहा है यार। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इसके शुरू के 2-3 मैचों में जो नहीं खेला उसमें भी खिला लिया होता तो न जाने क्या हो रहा होता। या ये भी हो सकता है वो शुरू के मैचों में नहीं खेला इसलिए परफॉर्मेंस ऐसी निकल कर आ रही है। यू नेवर नो, आप कुछ नहीं कह सकते। अमित शाह जी यहां पर बैठे हुए हैं कंप्यूटर के ऊपर, ये होगा शमी के कागज अपलोड। अब इसके ऊपर क्या बोले, ना डरे ना जिम करे, शमी हूं बेटा, दूध पीकर विकेट ले लूं जब मन करे। भाई शमी भाई के बारे में तो अब जो बोला जाएगा वो कम ही है। यहां पर वामिका कह रही है, मतलब विराट कोहली की सुपुत्री कह रही है कि ऐसा कोई क्रिकेट रिकॉर्ड नहीं जो बाबूजी ने तोड़ा नहीं। बाबूजी की हालत वाकई में ऐसी है, और अब तो विराट कोहली उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि वो हर मैच में जब भी रन बनाएंगे कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा। और ये तो देखिए इमोशन है, इट टुक मी 4 ईयर 4 मंथ्स एंड 6 डेज टू हील। हमारे नंबर 7 को रन आउट किया था तो आज 7 विकेट लेके बदला पूरा कर लिया। मोहम्मद शमी ने लिटरली आज यहां पर काफी सारे भारतीयों के जहन में, जिनके जहन में वो न्यूजीलैंड की हार मौजूद थी, उसका बदला ही लिया है। सेमीफाइनल है, थोड़ी मजेदार स्क्रिप्ट तो होनी चाहिए भाई, स्क्रिप्ट कैसी भी हो पर ऐसी ना बनाया करो। मतलब कि यार वही ना रवि शास्त्री वाली बात, गोटे समझ जाओ यार, बस अब क्या बोलूं। खैर मजाक से हट के बात करें, यहां पे लिखा है शमी आफ्टर टेकिंग 7 विकेट, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। हर मैच में बंदा आउट परफॉर्म कर रहा है। आज बुमराह नहीं चला तो देखो शमू ने क्या हाल कर दिया सबके सामने। लोग क्या देखते हैं विकेट पर, और मोहम्मद शमी क्या देखता है विकेट पर। अब सीधी सी बात है, इसके ऊपर क्या बोल रहे। मैन सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द ग्लोरियस पर्पस। हार्दिक पांड्या ने अपना जो जगह है उसको सेक्रीफाइस क्या किया, मतलब टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। क्या बोल, द हैप्पीनेस ऑफ रोहित शर्मा ओएमजी, नेवर सीन हिम शोइंग हिज इमोशंस लाइक दिस। मतलब मैंने इनके इमोशंस को ऐसे बाहर आते हुए देखा था 2019 के वर्ल्ड कप हारने पर, जब बंदा बाहर विंडो पे ही खड़े होकर रो रहा था ना यार। वो वाला सीन देखता हूं ना तो ये वाला सीन देखकर बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है, बहुत ज्यादा। लॉर्ड शमी टू ऑल पाकिस्तानी, मूत रहे यहां पर तो ले मूत दिया तेरी दुआ पर। क्या हुआ था, हरिम शाह लिखते टुडे आई प्रे टू अल्लाह फॉर न्यूजीलैंड विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया। हाँ फिर तो चलता है यार, फिर तो बिल्कुल बनता है मोहम्मद शमी का लघु शंका करना। थैंक यू टू हसीन जहां फॉर स्टेइंग अवे फ्रॉम मोहम्मद शमी। बिल्कुल हसीन जहां ने कहा था मैं उनको बिल्कुल भी विश नहीं करूंगी अच्छा खेलने के लिए। अब देखिए क्या खेल क्या है यार बंदा।
शमी आफ्टर द मैच टुडे, कब तक 1.5 बिलियन लोगों की उम्मीदों का टोकरा मैं अकेले अपने सर पर घूमूंगा, घूमता लेकर घूमता फिरूंगा। मतलब यार, बैटिंग पैराडाइज पे स्लो पिच की न्यूज फैलवा दी और इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचा दिया, जय शाह सुप्रीमेसी। जय शाह बॉलिंग करते हुए, वो जो न्यूज वायरल नहीं हो गई थी कि भैया ये तो स्लो पिच है, स्लो पिच है, क्या बैटिंग करी है और इंडिया ने उसके ऊपर। यार ये क्या है अभिषेक, रियल इंसिडेंट, लड़की सोच रही है इज प्रॉब्ली थिंकिंग अबाउट अदर गर्ल्स, वही लड़का क्या सोच रहा है भैया, इंडिया का टॉप ऑर्डर न्यूजीलैंड के सामने टिक गया तो मैच अपना है। लिटरली यार, लड़कों का तो यही रहता है, दिमाग में बस यही चल रहा होता है, और लड़कियां सोचती न जाने क्या सोच रहा होगा। अरे भैया, इस मीम ने बड़ा परेशान किया यार, मैच के पहले बहुत परेशान किया। अरे इंडिया वालों भरोसा करो, अब मेरे में वो पुरानी वाली बात नहीं रही। लिटरली यार, इस समय ना यही हालत हो गई थी कि यार बस ट्रेंट बोल्ट को किसी तरह से झेल लें, और देखिए क्या झेला है। रोहित शर्मा ने जो आगे बढ़ के छक्का मारा था ना यार, वो छक्का नहीं मतलब दिल था यार, इमोशन था। उसके बाद फिर ये, मेरा हार्ट मत दुखाना, मेरे पास थेरेपी के पैसे नहीं है, बीसीसीआई से बोल रहे हैं अनिल कपूर जी, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह का टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा ना, उसको देखते हुए यही चीज बोली गई। मैं तो यहां पर खेल ही नहीं रहा, ये धनश्री इतना खुश क्यों हो रही है भाई? अब यार इसका जवाब आप ही लोग दो तो बेहतर रहेगा। आज ये तो टीम इंडिया फाइनल में जाएगी या फिर मैं डिप्रेशन में। ये मैच शुरू होने के पहले मीम बहुत वायरल हो रहा था, जब लोगों ने प्रैक्टिस सेशन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें देख ली थी और लोगों का कहना था कि भाई आखिर आज होने क्या वाला है। अब ये क्या है भाई, शेव जिसके लिए भी किया हो, फायदा तो टीम इंडिया का ही हो रहा है। सीधी बात है, श्रेयस अय्यर ने जब से शेव किया है, बंदा ऐसे फॉर्म में आ गया जैसा कि वो मतलब कभी खेला ही नहीं है यार, ऐसे फॉर्म में। ठीक है, आई विल नॉट गिव माई बेस्ट विशेष टू मोहम्मद शामी, हसीन जहां ने कहा था चाहिए भी नहीं, चल निकल। लिटरली मोहम्मद शामी का यही एटीट्यूड था जो हमने मैच में भी देखा। नाइस स्विंग बोल्ड भाई, अब जा जरा बाउंड्री से जाके बॉल उठा के लेके आ। मैं क्यों कैच पकड़ू, मैं तो सीधा विकेट लूंगा। दरअसल वो मोहम्मद शामी ने जो एक कैच छोड़ा था उसको लेकर ये मीम, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है तो। और मतलब वो कैच जब छूटा था ना यार, लिटरली ऐसा लग रहा था कि यार कैचेस विन मैचेस वाली जो कहावत कहीं वही सिद्ध ना हो जाए एक बार फिर से। बहुत ही मजेदार सीन था यार वो। लाइफ अपडेट, मौज मस्ती चल रही है और कुछ भी नहीं। और लिटरली यार, मतलब हार्दिक पांड्या की जगह पे शायद कोई और होता ना, तो वो लिटरली डिप्रेशन में चला जाता और वो यही सोचता कि यार अब तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन फिर ये हार्दिक पांड्या है यार, आप इससे एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, इंजरी है लेकिन बंदा मस्त चिल मार रहा है और क्या बोले। तो इंडिया का मैच भाई कल का काफी शानदार रहा है, एक से बढ़कर एक मूवमेंट्स हमको मिले। इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है, सेमीफाइनल की जगह पर हम सेमी फाइनल कह रहे हैं, काफी सारे कारण है, माही भाई का बदला लिया गया है, बहुत सारी चीजें हैं। केन विलियम्स हमको लेकर दिल भी दुखता है कि यार बंदे ने मतलब वाकई में बहुत मेहनत करी और इन दी एंड शायद उनको वो मिल नहीं पाया जो वो डिजर्व करते थे। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, समय तो होनी। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल, जय हिंद जय भारत।